Hello guys, welcome back to my channel, that's IELTS with Sonali. My name is Sonali and basically I am an IELTS trainer. मेरे को कुछ क्वेरीज मिली बच्चों की और ऑब्जर्व भी मैंने किया है कि बच्चों को क्वेरीज रहती हैं, ग्रामर सेशन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं. तो मैंने उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ग्रामर सीरीज एक स्टार्ट करी है. दैट इज़ द फर्स्ट वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज. होपफुली यू विल लाइक इट. एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी एट माई इंस्टाग्राम आई डी दैट्स IELTS with Sonali. एंड दैट इज़ इन द आपके सामने ब्लिंक हो रही होगी पॉपअप में. And another thing is that is I have a Facebook ID as well with the same name IELTS with Sonali. आप मुझे वहाँ पर भी DM भी कर सकते हो, follow भी कर सकते हो. And दोनों ही IDs पे I generally post some of the vocabulary part और कुछ भी जो भी updates होते हैं IELTS के regarding या grammar sessions के regarding, वो मैं वहाँ पर update करती रहती हूँ. So please be in touch with me. And अब हम start करते हैं अपने first एक इसके साथ that is simple present tense, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जाना जाता है. एंड कुछ बच्चों को जो पहले से मेरे साथ थोड़े टच में हैं उनको थोड़ा सा होगा कि मैम आप इतने टाइम कहाँ थे, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड होने पर. इसके साथ ही आपको कुछ ना कुछ एक क्लू मैं आपको दे दूंगी वेयर आई वॉज बिजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सेशन से जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर. इनको हम यूज़ कब करते हैं हम पहले वो चेकआउट कर लेते हैं. इनका यूज है प्रोवर्ब, कुछ कहावतें जैसे कि बोली जाती हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. अब जो बाइट है वहां पर वो प्लूरल के साथ लगा हुआ है और वो सिंगुलर फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोवर्ब. नेक्स्ट हम आते हैं हॉबीज में. हॉबीज में इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं, जो काम हम करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू टीच, तो मैंने यहाँ पर क्या किया अपनी हॉबी मेंशन करी है और मैंने किसका फॉर्म किस सेंटेंस का फॉर्म यूज किया है, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया है. अब हम आते हैं अपने डेली रूटीन के पार्ट पर. यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी एक सेंटेंस जिसकी वजह से आपको पता चल जाए हाउ टू यूज दिस टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई ईट माई लंच एट 2:30 PM. तो मैंने यहाँ पर क्या किया अपने डेली रूटीन मेंशन कर दिया. अब हम आते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर. यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा सच जिसे कोई नकार नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. हम सब जानते हैं कि धरती जो है वो चारों तरफ घूमती है सूरज के, तो ये एक हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. अब हम आते हैं इनके सेंटेंस फॉर्मेशन पर. सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ ऐसे रहती है. अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट क्या होता है पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं. सब्जेक्ट होता है कर्ता. कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला. जो भी इंसान काम को करने वाला है वो सबसे पहले आता है इंग्लिश में सेंटेंस में. उसके बाद आते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर. जो भी आपका नॉर्मल क्रिया को दर्शाए, पहली वर्ब जो भी उसकी होगी, पहली फॉर्म जो उसकी होगी, हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे. कुछ जगह पर SES आता है, कुछ जगह पर SES नहीं आता, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा है. अभी हम डिस्कस करेंगे SES कहाँ पर आता है और कहाँ पर नहीं आता. फिर आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस कभी किसी भी वस्तु को जहां पर यूज किया जाता है वो सेंटेंस के एंड में आती है. अब आते हैं थोड़े अदर वर्ड्स पे जो मैंने यहाँ पर किसी भी टेंस में मेंशन नहीं किया, किसी भी फॉर्म में मेंशन नहीं किया. अदर वर्ड्स में आता है इन द मॉर्निंग, इन द पार्क, मतलब जो आपका सेंटेंस का बच जाता है पार्ट उनको आप अदर वर्ड्स बोल सकते हो. ऑब्जेक्ट तक आपको इतना फॉर्म क्लियर करके रखना है, उसके बाद आपको जो भी मेंशन होगा सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए आपको उसको मेंशन करना है. अब आते हैं नेगेटिव टेंस में. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, डू और डज का यूज किया जाता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू डज एंड देन नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. डू और डज का यूज भी कहां कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन मार्क अगर सेंटेंसेस होंगे वहां पर इनके फॉर्म क्या यूज होती है, डू डज पहले आ जाता है यहाँ पर, डू डज सब्जेक्ट. अगर तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आप नॉट को यूज नहीं करेंगे. फिर आपको सीधा आगे लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे खत्म कर देना है विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस है. अगर आपका क्वेश्चन मार्क सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो आपको डू डज पहले लगाकर सब्जेक्ट देन नॉट को मैंशन करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. कुछ बच्चे जो फ्लुएंट है इंग्लिश में वो ये भी प्रेफर करते हैं कि डोंट से स्टार्ट कर दें अपने सेंटेंसेस को.
उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताना चाहूंगी, नो डाउट आप गलत यूज नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही यूज है. डोंट एंड डजंट यूज किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बट वो फॉर्मल इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं आता. वो गलत नहीं है, आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप गलत बोल रहे हो, दैट्स जस्ट कि वो फॉर्मल इंग्लिश का पार्ट नहीं है. अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को थोड़ा और ज्यादा ब्रीफली. अब हम थोड़ा जानते हैं ब्रीफली इसको कि SES और डू डज का यूज का कैसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा. SES का जहां पर यूज होता है वहां पे आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका कर्ता होता है, वो ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म में होता है. सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज सिंगल होगी, एक पर्सन का नेम मेंशन होगा, कोई एक सिंगल चीज होगी, थिंग होगी, कुछ भी होगा, मतलब वो एक सिंगल होना चाहिए. वहां पर आपको SES का यूज करना है ही शी इट के साथ. मैं रिपीट कर रही हूँ, ही शी इट एंड सिंगुलर अगर होगा आपका सब्जेक्ट काम को करने वाली चीज, तो आपको SES का यूज करना है. जहां पर आपको SES का यूज नहीं करना, वहां पर आपका जो कर्ता होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, वो यू आई वी दे या प्लूरल के फॉर्म में होगा. जहां पर भी आपको यू आई वी दे और प्लूरल फॉर्म में कुछ मिल जाए, आपको वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जर्व आप कर लोगे और आपको SES बिल्कुल भी नहीं लगाना. अब हम आते हैं डजंट ऊपर. जैसे आपका यूज था SES जहां पर आप लगाया करते थे पॉजिटिव सेंटेंस में, वहां पे आपको SES को रिप्लेस कर देना है डज से. अब ध्यान से देखिए, ये चीज जो मैंने लिखी है और ये जो मैंने एक पार्ट लिखा है, दोनों सिमिलर है. बस इसका जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, इसका जो यूज होता है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है. दैट इज द ओनली मेन डिफरेंस बिटवीन द लाइक पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दैट्स इट. अब आते हैं डू पर. डू और जहां पर हम SES को पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगाते, वो दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं. जहां पर हमें डू लगाना है वहां पर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो देखिए यू आई वी दे एंड प्लूरल फॉर्म में होगा. अब आई थिंक आपको यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ पर SES का यूज करना है, कहाँ पर SES का यूज नहीं करना, कहाँ पे डू का यूज करना है, कहाँ पे डज का यूज करना है. तो इस एक फॉर्म से, इस एक चार्ट से आपको पता चल जाएगा. मैं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए आपको दो से तीन कुछ एग्जाम्पल्स अभी फिलहाल करके दिखाऊंगी, जिससे आपको ट्रांसलेशन करनी इजी हो जाएगी. उसका एक रीजन है मेरे लिए मेन, जो मैं अक्सर समझती हूँ बच्चों को पता होना चाहिए. जब भी हम टास्क टू में या नॉर्मली हम कहीं पर भी जब कोई अपना ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारी मदर लैंग्वेज होती है ना, मदर टंग जो होती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले वही लैंग्वेज में एक सेंटेंस फॉर्म होता है. अगर हमने वो प्रॉपरली बना लिए तो हम उसको इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे. उसके लिए पहले हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज आर हिंदी. हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ पर हिंदी का कैसा सेंटेंस फॉर्म करना है, उसी बेस पर हम ट्रांसलेशन करते हैं. तो यहाँ पर आपके जो सेंटेंसेस थे वो सब के सब ता है, ते है और ती है पे खत्म होने चाहिए. जहां पर भी आप अपने डेली रूटीन की बात कर रहे होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही होगी, प्रोवर्ब्स की बात हो रही होगी, वहां पर आप, मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, आप सब बच्चे ता है, ते है और ती है का ही यूज करते होंगे. जब आप उसके ट्रांसलेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन चीजों को ऑब्जर्व करना एंड ट्रांसलेट करना. अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको शो करती हूँ. तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल रिटन है, वह रोज कार्यालय जाता है. मैंने आपको बोला था अदर वर्ड्स आप एंड में लिखेंगे, उससे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म SES एंड ऑब्जेक्ट पे थोड़ा स्टिक रहना है. देखते हैं हम कैसे उससे स्टिक रह सकते हैं. देखिए वह का क्या मतलब होता है, जाता है लिखा हुआ मतलब दैट्स अ बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, तो पहले आ जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है. अब वहां पर जाता है वर्ब क्या है हमारे पास, जाने की क्या है, गो, राइट. तो गो तो हमने लिख दिया. अब हमने अभी थोड़ी टाइम पहले एक आपने वीडियो का देखा होगा, वहां पर लिखा था ही जब भी हो तो SES का यूज होता है. ही गोज टू, जब हम एक जगह पे जाने की बात करते हैं तो टू हमारे गो के साथ हमेशा आता है. कहां जाता है, कार्यालय, दैट इज ऑफिस. अब देखिए ट्रांसलेशन चेक कीजिए, अब वह को मेंशन कर चुके हैं, आप कार्यालय को मेंशन कर चुके हैं, आप जाता है को भी मेंशन कर चुके हैं. एक वर्ड आपके पास रिमेनिंग है और वो वर्ड क्या है आपके पास, रोज, मतलब डेली या एवरीडे. तो वो आप अपने अदर वर्ड्स के तौर पे आप इसको एंड में लिख देंगे, दैट इज एवरीडे. आई होप यू गॉट इट.
अब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वर्ड लगा दिया दैट इज नहीं. अब इसके सेंटेंस फॉर्मेशन, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले ही, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है. अब वो नहीं की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ पर डज, और फिर आएगा नॉट, जो कि रूल के अकॉर्डिंग है कि इन दोनों में से कुछ एक आएगा, क्योंकि ही है आपके सब्जेक्ट में, तो डज आएगा. डज के बाद आपका नॉट, नॉट के बाद की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी? दैट इज गो टू ऑफिस. एक वर्ड हमारे पास बच गया रोज, दैट इज एवरीडे और डेली. सो हियर इज द ट्रांसलेशन. आपको ऐसे ही अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब भी आपको ता है, ते है और ती है से एंड होते हुए सेंटेंसेस मिल जाए तब. ये आपके पास एक एग्जांपल है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, वो है इंट्रोगेटिव बेस. देखिए, जो भी सेंटेंस आपका हिंदी में ट्रांसलेशन करते टाइम क्या से स्टार्ट होगा, दैट विल बी अर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या वे 3 बजे खाना खाते हैं. यहाँ पर कहीं पे भी नकारात्मक बात नहीं हो रही, नहीं वर्ड कहीं नहीं आ रहा. That means that is a positive sentence. अब हमें इसको explain करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, observe करेंगे कि do आएगा या does आएगा, क्योंकि हमें starting में लिखना है तो पहली observation करनी है. हमारे पास यहाँ पर वे है, वे के साथ अभी हमने discuss किया था हमेशा दे आता है, इसीलिए हम यहाँ पे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले do लिखेंगे, do. अब आगे आपके पास वे, that will be subject, दे. फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? ईट की, खाने की. खाना खाया जाता है, खाते हैं की बात हुई है तो ईट आ गया. ईट क्या खाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर? फूड है. डू दे ईट फूड? आपके पास सेंटेंस में कुछ बच गया है क्या? यस, आपके पास अभी ये चीज बच गई है 3 o'clock, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट 3 o'clock क्वेश्चन मार्क. 3 o'clock, at 3 o'clock is your other words. Food is object. Verb first form is eat. Subject is they and do is here. तो ये आपका बन गया question mark positive sentence. अब हम आते हैं इसके negative sentence की तरफ. अगर मैं यहाँ पर नहीं लगा दूंगी तो आपका ये sentence नकारात्मक बन जाएगा, negative बन जाएगा. अभी आपके पास question interrogative negative हो गया है. हमने इसको कैसे translate करना है वो देखते हैं. Do they not eat food at 3 o'clock? And there is a question mark. तो ये एक example था जो कि interrogative sentences पर हमने ये किया. अगर आपको और भी एक्सरसाइजेस इसके रिगार्डिंग चाहिए हो तो प्लीज पिंग मी एट माय इंस्टाग्राम आईडी दैट इज अलसद सोनाली. आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं विद द सेम आईडी दैट्स अलसद सोनाली. एंड आपको कैसी लगी है वीडियो, इस बारे में भी रिव्यू फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा. एंड एक थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, और इसी में रीजन भी आ जाएगा कि मैं अभी आपके साथ क्यों इतने अपडेट्स नहीं दे पा रही हूँ, क्यों आपको डेली बेसिस पर नहीं गाइड कर पा रही हूँ. उसका एक ही रीजन है, बिकॉज आई हैव ज्वाइंड एन इंस्टीट्यूट दैट इज इन चंडीगढ़, विच नेम इज, द नेम ऑफ दैट सेंटर इज बर्कली ओवरसीज कंसल्टेंट्स, दैट इज इन सेक्टर 32D, SCO इज 272, सेकेंड फ्लोर. सो अगर आपको वहां पर आके अपना डेमो सेशन लेना है, आपको डायरेक्टली पढ़ना है, फेस टू फेस क्लासेस लेनी है, तो ऑब्वियसली आप वहां पर आ सकते हैं. And you can get coaching over there. So, ये एक video थी that was on simple present tense. ऐसे ही जैसे से मुझे time मिलता रहेगा, I will update these videos in the further parts as well. अगर किसी को exercise चाहिए हो तो please DM me. I'll give you the questions regarding it. So, thank you so much guys.